खून पसीना लगाकर भारतीय जनता पार्टी को सींचने का काम किए हैं। आज उनकी उपेक्षा हो रही है, उनकी बात कोई नहीं सुनने वाला है। होगा मुख्तार के लोग आएंगे प्रत्याशी बनकर भारतीय जनता पार्टी का, तो विरोध तो होगा ही। कि रोजी रोटी मुख्तार अंसारी के यहाँ से चलती थी, आज वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, ऐसे लोगों का पदार्पण किसी भी कीमत पर उचित नहीं है। मैं नहीं जानता कि वो राष्ट्रीय चेहरा है। उनके पिताजी तो मुख्तार अंसारी के नाम पर काम करते थे, वो और आर एन सिंह। भारतीय जनता पार्टी में आज ये लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए आए हुए हैं। तमाम आयातित लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए और ऐसे लोगों को निकाल के बाहर करना चाहिए। गुरुवादी कहते थे कि हिंदू गुरुवादी हैं, तब से हम लोग भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठनों में काम कर रहे हैं, कभी विचलित नहीं हुए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी महासमुद्र है, इसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। लेकिन मुझे भी मीडिया के द्वारा यह जानकारी मिली है कि कुछ लोग मुख्तार अंसारी के नाम पर, जो जिनकी रोजी रोटी चलती थी, जिनकी जीविका चलती थी, आज उनका रुख भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे पर चिंतन करना चाहिए कि इस तरह के लोग जो मौका परस्त हैं, अवसरवादी हैं, अब तक मुख्तार अंसारी के इशारे पर काम करते थे, उन्हीं के लिए जीते थे और उनकी रोजी रोटी मुख्तार अंसारी के यहाँ से चलती थी, आज वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, ऐसे लोगों का पदार्पण किसी भी कीमत पर उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को इस पर चिंतन करना चाहिए। मैं नहीं जानता कि वो राष्ट्रीय चेहरा है। उनके पिताजी तो मुख्तार अंसारी के नाम पर काम करते थे, वो और आर एन सिंह। भारतीय जनता पार्टी में आज ये लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए आए हुए हैं। पार्टी की जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, जो अपना खून पसीना लगाकर भारतीय जनता पार्टी को सींचने का काम किए हैं, आज उनकी उपेक्षा हो रही है, उनकी बात कोई नहीं सुनने वाला। मैं अपनी बात बेबाकी से कहता हूं, मुझे किसी का डर नहीं, बिना लाग लपेट के मैं बोलता रहता हूं। जो सही बात है मुझे बोलना भी चाहिए, लोकतंत्र में विचारों के अभिव्यक्ति की सबको स्वतंत्रता है। देखिए, कोई कहीं कब्जा नहीं कर रहा है, ऐसे लोग आते हैं, ऐसे लोग जाते हैं, इनका न कोई अस्तित्व है, न इनका कोई चरित्र है, न इनका कोई सिद्धांत है। ऐसे लोग भारतीय जनता में आते जाते रहते हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी पर कोई फर्क पड़ लोकतंत्र में तो किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, कोई भी टिकट मांग सकता है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, उसकी भारत के संविधान में भारत माँ के प्रति उसकी आस्था है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी है सदस्य है वो टिकट मांग सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि वो किसको अपना प्रत्याशी बनाती है। अगर गलत निर्णय होगा, मुख्तार के लोग आएंगे प्रत्याशी बनकर भारतीय जनता पार्टी का, तो विरोध तो होगा ही।